और दोस्तों फाइनली हम लोग स्टेशन से उतर के ऑटो बुक कर लिया था। तो हम दो ऑटो किए थे क्योंकि बहुत सारे लोग थे ना, तो एक में सेटल नहीं हो पाए थे। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और दोस्तों अब हम निकल चुके हैं अपने सफर के लिए, साईं बाबा के दर्शन के लिए, शिरडी धाम के लिए। मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है सब कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों शिरडी के पास में जो रेलवे स्टेशन है वो कोपर गांव की पड़ता है। दोस्तों जब मैंने ऑटो देखा ना, मैंने बोला कि मैं तो पीछे बैठूंगी क्योंकि पीछे बैठने का जो मज़ा वो अलग ही होता है। और दोस्तों जो ये खंडर टाइप का दिख रहा है ना, सबसे पहले रेलवे स्टेशन ये हुआ करता था, ये अंग्रेजों के टाइम का है। दोस्तों देखिए ये मतलब पूरा व्यू है सीढ़ी जाते टाइम, काफ़ी दूर था। मतलब फर्स्ट टाइम गई थी, मुझे नहीं पता था कि हमें, मतलब ये मान के चलो कि डेढ़ घंटा लग गया था। वैसे मौसम भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा था, बोलते हैं ना कि वहाँ पे गर्मी होगी, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। शाम के टाइम और सुबह के टाइम भी नॉर्मली ठंडी होती ही थी। तो मतलब मैं आपको पूरा व्यू दिखा रही हूँ सब कुछ, मतलब जो मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ वो सब कुछ मैं आपसे शेयर करूँगा। देखो दिन में निकले थे और अंधेरा हो गया है, मतलब अंधेरा होने वाला था और मतलब लाइटिंग अच्छा लग रहा था क्योंकि अभी तो वो वाली फीलिंग आ रही थी जैसे कि हम अपनी साइड ही हो, कुछ अलग फीलिंग नहीं आ रही थी क्योंकि अब तो हर जगह वो ही होटल वगैरह ये सब चीज़ें होती है। और मतलब मेन बात यह है कि जो खेती हमारे यहाँ होती है यूपी में, वही खेती उधर महाराष्ट्र की साइड होती है। तो अभी कुछ अलग फीलिंग आ नहीं रही थी कि मतलब कि हम कोई अलग जगह आए हैं। वैसे एक्साइटमेंट था शिरडी जाने का, लेकिन वो जो मतलब देखने का चारों ओर था ना, सिर्फ यहाँ पे एक डिफरेंस ये था कि यहाँ की जो मिट्टी है ना दोस्तों काली है, काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में, जिसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी भी बोला जाता है। वैसे रेस्टोरेंट ये सब कुछ तो बिल्कुल हमारे तरह ही है। जो आगे और भी चीज़ें हैं जो चेंज होने वाली है वो मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी। और दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं। दोस्तों ये ना साई भवन दिल्ली, यहाँ पे बोला जाता है कि जो दिल्ली से लोग आते हैं ना यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि हमारे जो यहीं पे रोहिणी में सेक्टर 7 में साई मंदिर है, हमने यहीं से बुक कराया था मंदिर में जाके। और फिर मतलब यहाँ पे खाना वाना जो भी मिलता है सब कुछ मैं आपको ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना गाइस। थोड़ा जरा सो गया था, मतलब हम लोग पहुँच चुके थे, अभी एक ऑटो और पीछे आने वाला था जिसमें कुछ लोग और थे। हाँ भी नहीं लगा दे, खाना यहाँ पे खा जाता है। उई, वही भी कुलोई, वही कुलोई, अच्छी अच्छी, ये अच्छी अच्छी, ये बच्ची अच्छी कली। कुलोई आपने लोई ऊपर। कैसे रूप बिगड़ गई? देखो इसमें ना साईं बाबा की फ़ोटो, मतलब अभी मैं दिखाती हूँ, उधर साईं बाबा की फ़ोटो लगी है सामने बड़े वाली, और ये साईं बाबा बैठे हुए हैं। मतलब हम भी जब सुबह शाम आते थे ना तो साईं बाबा के चरणों में हाथ जोड़ के जाते थे, जहाँ भी जाते थे। देखो सामने कितनी बड़े साईं बाबा की फ़ोटो लगी हुई है, साई भवन के नाम से, इसलिए जो साईं बाबा के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं उनके लिए बना हुआ है, जो मोस्टली दिल्ली से जाते हैं इसलिए इसका नाम है साई भवन दिल्ली। मतलब ये दिल्ली वालों ने जो सेक्टर 7 में साई मंदिर है ना, उन्होंने बनवाया।
हम चेक इन कर रहे थे, मैंने साइन वगैरह कर दिया क्योंकि सामने का ऑटो पीछे रह गया था, व्याई नहीं था, तो मैं सोचा कि चलो फटाफट हम काम ख़त्म कर देते हैं फिर आगे अपने रूम में मतलब आराम करना रह जाए, क्योंकि थक गए थे गाइस। पूरे 24 घंटे ट्रेन में ट्रेवल किया, फिर 1.5 घंटे में हम यहाँ पे साई भवन तक पहुँचे। दोस्तों होटल में ना साफ़ सफाई के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि साफ़ सफाई मेन होती है और मतलब स्पेशली साई श्रद्धालुओं के लिए ही बना हुआ है। और देखिए मतलब अभी मुझे लगता है हम लोग गए हुए थे, एक दो फैमिली और थी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा हमने होटल में ज़्यादा स्टे नहीं किया, सिर्फ रात में सोते थे और पूरा दिन ज़्यादा आइडिया नहीं हो पाया कि कितने लोग रुके हुए थे। मतलब शांति भी इतनी थी, अगर रुके हुए भी है ना तो दूसरे लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं था, क्योंकि सामने गद्दे रखे हुए, अगर एक्स्ट्रा लोग हैं ना तो साइड में गद्दे भी डाल सकते थे। कि हम भाई इतने लोग हैं, पे तो पर पर्सन ही करते थे, मतलब जितने भी एक रूम में, वैसे तीन लोगों के लिए अलाउ था कि एक रूम में तीन लोग रुक सकते हैं, दो लोग बैठ के और सिंगल गद्दे पे। गाइस मतलब जो पहले वाला रूम पड़ा हमने वो ही सेलेक्ट कर लिया, मैं भी जल्दी सबने एक रूम में भी दूसरे रूम में रुके थे, मतलब सबके रूम ना आसपास ही थे, सभी भी साथ में बातचीत कर सके, अच्छे से इंजॉय कर सके। दोस्तों हमारे 5 रूम तो एक फ्लोर पे थे और एक रूम था नीचे वाले फ्लोर में, हर पन ये लोग रुके हुए थे, सारी लेडीज ऊपर थी। नीचे भी है कमरे, एक रूम में क्या है। खाना लग चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे खाना खाने, अभी नीचे के अरेंजमेंट का पूरा दिखाऊंगी मैं आपको। भाई चलते हैं अब सारे भोजन ग्रहण करने के लिए। अगर हम सिटी में आए हैं तो यहाँ पे भोजन ग्रहण किया जाता है, वैसे घूमने जाते हैं तो फिर खाना खाया जाता है, डिनर किया जाता है, यहाँ पे रात का भोजन ग्रहण होगा। अभी होटल मतलब बहुत अच्छा है गाइस, बहुत अच्छा, साफ़ सफाई के मामले में नंबर वन है। मेनली हमें क्या चाहिए होती है, साफ़ सफाई, उसके लिए बेड बहुत अच्छा है। और सिर्फ एक वो है कि टीम में अभी मराठी चल रहा है, देखो गाइस नाइट का व्यू है, जुराब तो मिल जाएगी, अभी तो वो हो रही, सही मौसम हो रहा। अरे ये तो लगे हुए हैं खाना खाने। दोस्तों यहाँ का खाना ना बिल्कुल सिंपल और बहुत टेस्टी था, बिना प्याज का बना हुआ, स्वादिष्ट, हेल्दी, मतलब जो हम घर पे खाते हैं ना सेम वही अच्छा खाना था। और चावल भी मतलब नेसेसरी थे, ज़रूर मिलते थे चावल। गाइस खाना बहुत टेस्टी है, मतलब सिंपल और टेस्ट में स्वाद में एक नंबर था। मेरा तो मन कर रहा है कि दाल चावल हाथ से खा लो तो हाथ से खा जाएंगे, मज़ा ही अलग है। ये नहीं सोच रहे ना छोड़ के ही हटम, ये नहीं सोच रहे एकदम के लिए सारे आगे खड़े हो गए। वाले होटल में रुके हैं और उसके बाद अब हम खाना खाने के बाद सब चलते हैं घूमने के लिए, सब तैयार है। ये रहा धीराज, ये धीराज है, ये सब तैयार हो चुके हैं। देखो वानी को, देखो वानी को, सब रेडी है चलने के लिए। हमने सोचा खाना पीना खाकर थोड़ा सा टूर कर लेते हैं, यही पास में थोड़ा सा घूम लेते हैं। देखो साइड का मैं सारा आपको दिखाऊंगी गाइस, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो आज राज्य में कपड़े चेंज कर लिए, हमने नहीं किए बट दोस्तों सब लोग ना थके हुए थे, दो दिन से क्यों ट्रैवल ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी घूमने की हिम्मत सब में थी, सब ने सोचा खाना खा लिया अब थोड़ा सा सिटी का राउंड लेके आते हैं, घूम फिर के आते हैं कहाँ पे क्या क्या है अच्छे से, फिर कल घूमेंगे। कल मंदिर में भी जाना था दर्शन करने के लिए गाइस, यहाँ पे ना हैंडलूम साड़ियाँ बहुत जाती, मतलब साड़ियाँ ही साड़ियाँ थी, सूट तो मुझे यहाँ पे कहीं भी नहीं दिखाई दिया, ओनली साड़ियाँ। और जो ड्रेसेस, जो बच्चों के कपड़े और मतलब साड़ियाँ भी थी ना, वे सारी हैंडलूम थी। देखो यहाँ पे लकड़ी से बने हुए सामान है, सारा वुडन मटेरियल है। दोस्तों साईं मंदिर जाते टाइम ना बीच में मंदिर पड़ता है, मम्मी जी बोलती कि शिव जी का मंदिर था, इस मंदिर में शिवलिंग भी है, सामने साईं बाबा को बिठाया गया है। अभी कुछ पूजा चल रही थी, कुछ पाठ वगैरह, तो इसलिए इतनी भीड़ भाड़ थी, हमने सोचा कि सब कुछ सुबह देखेंगे। देखो हैंडलूम, हर शॉप के बाहर हैंडलूम,
साड़ियाँ कम रेट में थी, सही थी, मतलब ज़्यादा महंगी नहीं कह सकते, लेकिन जो बच्चों के छोटे बच्चों के कपड़े वगैरह थे ना बहुत महंगे थे। उसमें भी सिर्फ हमारे कुर्ते वगैरह थे, छोटे बच्चे कुर्ते, लड़कियों के लिए लहंगे, देखिए मतलब वही चीज़ें थी गाइस जो चीज़ें हम अपने यहाँ पे खरीद सकते हैं। देखो ये चीज़ें हमारी दिल्ली में भी अवेलेबल है, लेकिन हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं ना तो सोचते हैं कि कुछ वहाँ से मेमोरी, मतलब कुछ चीज़ ले आए जिससे कि हमारी यादगार है कि ये जो वहाँ से खरीद के लाई थी। ये वो वाले कड़े हैं जो कभी काले नहीं पड़ते हैं। यहाँ तो साड़ी की दुकान ज़्यादा है, सही है ना दोस्तों। इस दुकान पर ना मुझे एक साड़ी बाहर की नहीं पसंद आ रही, तो उसने बोला कि आज वो अंदर भी दिखाते हैं, तो हमने सोचा कि चलो एक बार अंदर भी देखते जाए कि सीढ़ी में किस किस तरह की साड़ियाँ मिलती है। दोस्तों हमने सोचा कि चलो अधिराज के लिए कुछ कपड़े खरीद लेते हैं, क्योंकि अधिराज का पैक हुआ बैग ना घर ही रह गया था, सिर्फ दो कुर्ते लेके जा गए थे हम, और ओनली वहाँ पे सिर्फ छोटे लड़कों के लिए ना कुर्ते ही अवेलेबल थे, और वो ही बहुत कॉस्टली। देखो जो दिखा रहे हैं ना ये भी 500, 600, 700 मतलब उस रेंज के थे, जो मुझे बिल्कुल भी वर्थ नहीं लग रही। देखो अधिराज जहाँ भी कोई दुकान देखता है ना कपड़ों के से फैल जाता है जैसे वो ही दुकान का मालिक हो। मतलब गंदे वाली साड़ी की बोलते हैं गंदे का जो वेस्टेज होता है उससे बने उसके धागे से बनता है वो के बोला से है खुशबू लेके देखो कोई 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 से कोई का खुशबू लेके देखो साड़ी का हां और इसको पहनने की खासियत आता है ना मैंने वो नहीं बनी वो सुविधा मतलब साड़ी साड़ी कलर वगैरह देखो बस ये कलर है बेटा मौज कह दी ना थोड़ा ना तो सारी साड़ी काट देगा जात ये नारियल की वेस्टेज से बनता है और ये गन्ने के बेटा ओ भाई वो अपनी मम्मी के लिए साड़ी पसंद कर रहा कितने का दिए 10 का एक है। दोस्तों सीडी में अनार और अमरूद बोला जाता है कि सस्ते मिलते हैं, देखो अनार कितने सस्ते मिल रहे थे। फिर तो मुझे मैं हाथ से नहीं खा सकती एक बंद कर। और अभी हम जा रहे हैं ये बिल्कुल साईं बाबा के जो मंदिर है जस्ट उसके पास एक होल टाइप का बनाया हुआ है जिसमें साईं बाबा के लिए मतलब भजन किए जाते हैं। और गाइस यहाँ पे LED लगी है जिसमें लाइव जो मतलब मेन साईं बाबा का जो मंदिर है वहाँ से साईं बाबा के लाइव दर्शन कराए जाते हैं, आरती वगैरह सब कुछ दिखाए जाते हैं। हम लोग शाम के टाइम गए थे, हमने मतलब देखो यहाँ पे आरती चल रही थी, भजन कीर्तन चल रहे थे, हमने सोचा चलो हम भी थोड़ी बहुत देर यहीं पर खड़े होके देख लेते हैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था सीढ़ी में, तो मैंने सोचा कि हर चीज़ को अच्छे से इंजॉय करते हैं। देखो वाणी के छोटे छोटे पिल्ले मिल गए, उनके साथ खेल रही है। दोस्तों वैसे सीढ़ी में ना संगमरमर की चीज़ें मतलब इतनी सुंदर सुंदर थी, एक से एक संगमरमर की चीज़ें रखी हुई थी। ये तो एक नॉर्मल छोटी सी शॉप है, हम लोग बड़े बड़े शोरूम में भी गए थे, उसका भी मैं अलग से व्लॉग डालूंगी। अभी ये तो मतलब नॉर्मल हम मार्केट में ऐसे गए थे, चलो घूम फिर के आते हैं, देख के आते हैं कि क्या क्या है। ये तो छोटा सा रिव्यू है सीढ़ी के मार्केट का। ना
भगवान वो विष्णु दिखे शायद कमेंट्स में। गणपति बाबा 550 रुपए। कौन से 550 के? और छोटी ले रही। दोस्तों मुझे ना जो बुद्धा टाइप के रखे हुए ना मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, इतनी प्यारी लग रही। या देखो या कृष्ण भगवान दो गाय को ले रहे, इतनी प्यारी लग रही। ये अच्छी लग रही जिसमें गाय के साथ कृष्ण भगवान खड़े हैं। पति बाबा पढ़ाई कर रहे, यहाँ पे गणेश जी पढ़ाई कर रहे श्री, यहाँ पे भी गणेश जी पढ़ाई कर रहे श्री श्री। पति बाबा विश्राम कर रहे यहाँ पे। बस सेट कितना प्यारा लग रहा, 600 रुपए का सेट नहीं है, पूरा अलग अलग है सेट। हाथी के जोड़े पूछो ये छोटे हैं। जी कितना प्यारा सेट लग रहा है पेड़ के नीचे। साई बाबा ही साई बाबा हजराज नहीं। देखो इस माले में ऐसा लगता है जिधर हम जाएंगे कि साई बाबा हमें उधर ही देख रहे। जान से देखो इधर गए तो इधर लग रहा है इधर। हम ना खाए हम एक युवा गिलास से बेटा आ गया। ले लो मेरे बेटे को, दोस्तों फिर हम मतलब अपने होटल में पहुंचने के बाद में ऐसी बातचीत कर रहे थे, खूब मजा आ रहा था दोस्तों। मतलब पहली बात में सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो ना, ऐसे ऐसे घर में शादी का माहौल हो जाता है ना ऐसे ही, मतलब खूब इंजॉय किया। देखो अधराज को भी ना हमेशा इसके साथ उल्टे सीधे काम करते रहो तभी अच्छा लगता है। अभी हम तैयार हो चुके हैं और अभी हम जाएंगे साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। अभी मैं जा रही हूँ सावन को उनके कपड़े देने के लिए, क्योंकि उनके सारे हमारा सावन का सिर्फ रूम है जो एक फर्स्ट फ्लोर पे है और हम सब का रूम सेकेंड फ्लोर पे है। सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हम 5 बजे उठ गए। देखो अभी दिखाते हैं, ये एक नीचे सो रहा है, दोस्तों अधिराज के वाले कपड़े मैंने अभी सिलवाए थे। देखो अधिराज के मैंने 2 जोड़े कुर्ता पजामे सिलवाए और दोनों पर बहुत अच्छे लगे। अभी बेचारे का बैग तो घर रह गया, सिर्फ एक कुर्ता पजामे और दूसरे वाला कुर्ता आ पाया, तो अभी आज इसके पास यही था ऑप्शन, तो हमने सोचा कि अधराज को यही पहना लेते हैं। मंदिर जा रहा है तो नए कपड़े पहन के जाएगा। तो अब लोग रेडी हो चुके हैं दोस्तों। आए यो सावन जैसा लग रहा अधराज जान है, मगर सावन जैसा लग रहा बिल्कुल सावन पे ही तो है बेटा। बाय बाय। गंदी है मम्मी, गंदी है मम्मी, देखती नहीं कपड़े बना दो लड़के को। ये बेटी कैसे सुन रही बात, मिला दोषी तो बाकी बात ही छुना है या बहुत कल का पानी में खाए बाकी बात ही छुना है। ये कैसे देख रहा हूं मैं, मिला दो चोरी चोरी कैसे छोरी पे देखती देख। दोस्तों साईं मंदिर में जो हमारा एक्सपीरियंस रहा ना, सबसे फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी प्रसाद कभी भी मत खरीदना, कभी चादर वगैरह कुछ भी मत खरीदना, क्योंकि हम लोगों ने खरीदी थी वो तो हमारी बिल्कुल वेस्ट गई। हमारी मतलब गेट पे एंटर करने से पहले उन्होंने वहीं पर रखवा ली,
साथ में कुछ भी नहीं जाने देते हैं, सिर्फ खाली इंसान जाता है साथ में। अगर आपके पास पैसे, आप अपना पर्स लेके जा सकते हो। देखो वानी कैसे लेट रही है। और गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कभी भी प्रसाद वगैरह मत खरीदना। मुझे समझ नहीं आता कि वहाँ पे मतलब जब प्रसाद का चढ़ावा चढ़ाया नहीं जाता है तो वहाँ पे इतनी दुकानें क्यों है। सरकार को उसके लिए करना चाहिए कि लोगों को पागल बनाया जाता है। और मैंने ना बहुत लोगों को मतलब एक वहाँ पे देखा था कि दुकान वालों से लड़ाई भी करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो, ऐसे मतलब पागल क्यों बनाया जाता है। फिर कोई ना देवे मेरा फोन, भीड़ होगी वहाँ, भीड़ नहीं है। चलो ले लूँगा फिर फोन। हम लेके जाएंगे और वह भी बाहर जमा कर देंगे। चले गए, चलते हैं साईं बाबा के मंदिर में और वही जमा कर देंगे। अंदर तो ले जाना चाहेंगे हम लोग। चलो देखो है कल आ जाओ। गाय ताले लगाई जा रही है रूमों के। ये हम चल दिए, हम तो पीछे है, बहुत लोग आगे जा चुके हैं। सब कह रहे हैं पहन ले, लेकिन थोड़ा फैशन भी तो दिखाना है ना, फैशन छूट जाएगा। आ जा फैशन। फुल एंजॉय। ये क्यों पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दू डेरी। ये तो पैसे ला खुशी लाइए, चप्पल दस लाइए, चप्पल ओ बावड़े। ये दराज की नई नई चप्पल, ये चप्पल चांदी तड़ी लिखड़ गई चप्पल। अधिराज लिखड़ गई चप्पल इसकी चांदी। पैर मुड़ गया इसका, पैर दोस्तों सब लोग साईं मंदिर से आ चुके हैं दर्शन करके। फोन हम लेके नहीं गए थे, वो नीचे हमने रिसेप्शन पे जमा कर दिए थे। एक बार सोचा था कि लेके जाएंगे लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया था क्योंकि वहाँ पे भी जमा करना पड़ता था तो फिर कोई फ़ायदा नहीं था। अब हम लोग सोच रहे थे कि नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद में शनि देव का जो बहुत ही फेमस एक धाम है जो महाराष्ट्र में सिग्नापुर में पड़ता है तो वहाँ पर जाएंगे। तो बस वगैरह सब कुछ बुक हो चुकी थी। देखो अधिराज का बिल्कुल कोल्हापुरी चप्पल शांति ले गई थी। मुझे तो ये लोग काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है तो उसको कमेंट में जरूर लिखना। देखो इतने प्यार से बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं अधिराज। अभी हम साईं बाबा के दर्शन में नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे नाश्ते का टाइम 8 बजे शायद 9 बजे तक है। पूरी और छोले और शायद चाय भी है साथ में। खाना शुरू कर रहे थे। नाश्ता मुझे बिल्कुल अधूरा लगता है। सुबह की चाय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। गर्मा गर्म गाइस यहाँ खाना एक नंबर का है। स्वादिष्ट रिव्यू दे खाना कैसा, स्वादिष्ट। हमारी प्लेट में मिर्ची भी आई, उधर भी आई मिर्ची, नहीं आई मम्मी जी अभी दोनों टंग गए। हमने तो स्वाद है ना खाना, कैसा खाया नहीं आपने तो। हाँ जी बस चल रही दोनों चाय पी। पहले बच्चों की पेट पूजा फिर अपना काम करना। उसे देखो अभी कुर्सी के नीचे पड़ गया। इधर देखो एक एक इसकी पिपड़ी बज रही सम्राट की। खाना कैसा लगा मम्मी जी आपको, चक्कर आन को गए पेट खाली खाली कर दी। देखो नहीं यही बसेरा घेर लिया।
रहे हो? ओए बच्चे क्या कर रहे हो? कहाँ बैठे हैं?